अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया और चाइना की टेंशन लगातार बढ़ रही हैं, इंडिया और चाइना के अंदर जो है वो डिस्प्यूट जो है वो इस लेवल तक पहुंच चुका है कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो वॉर का है वो भी खुला हुआ है, वो टेबल पर है, और अगर डिसीज़न नहीं निकला चीन के पीछे हटने का, या चीन पीछे नहीं हटा बातचीत के जरिए या डिप्लोमेसी के जरिए, तो हम वॉर जो फाइल है या वॉर का जो ऑप्शन है वो भी टेबल पर है, हम वो भी कर सकते हैं। यानी टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर दो देश आपस में एक दूसरे के खिलाफ लामबंदी करने में जुटे हुए हैं, और उसमें इंडिया भी पीछे नहीं है। और ऐसी लामबंदी के अंदर एक बहुत अच्छी खबर इंडिया के लिए आई है, और अच्छी खबर ये है कि अच्छी खबर आई है रशिया से, और रशिया एक सेकेंड अच्छी खबर रशिया से आई है, और रशिया से खबर ये आई है कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी ब्रह्मोस मिसाइल जिसे डेवलप करता है ब्रह्मोस एरोस्पेस इसे डेवलप करता है, बहुत ही घातक मिसाइल है, क्रूज़ मिसाइल है, और क्रूज़ मिसाइल होने के साथ साथ, मतलब ये इसे ट्री टॉप मिसाइल भी कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नीचे होकर उड़ती है, और इसी वजह से रडार इसको जनरली पकड़ नहीं पाते। 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, जो बढ़ाकर 498 किलोमीटर के आसपास की कर दी गई, और सबसे बड़ी बात 2.9 मैक की इसकी स्पीड है, जो अपने आप में दुनिया में सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल है। बाकी टॉमहॉक वगैरह अमेरिका के पास है, उनसे भी ज़्यादा बेहतरीन मिसाइल ये है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस मिसाइल को रशिया और इंडिया ने जॉइंट वेंचर के थ्रू बनाया है, इसीलिए इसके एक्सपोर्ट की जब बात की जा रही थी, जब इसके एक्सपोर्ट की बात की जाती थी है, तो इंडिया खुद के साथ साथ रशिया को भी, रशिया की इस एग्रीमेंट भी लेना होता है, रशिया से भी बात करनी होती कि ठीक है, इस मिसाइल को क्या हम दूसरे देशों को बेच सकते हैं। ऐसे में इंडिया को अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का फ्लिप फ्लॉप नज़रिया रहा है इस मिसाइल को बेचने के मामले में। और जब इस मिसाइल को बेचने की बात आई तो असलियत में इसके जो दो सबसे बड़े खरीदार इंडिया के सामने उभर कर आए, एक तो वो वियतनाम है, दूसरा फिलीपींस है। और मैं बार बार बता चुका हूँ, वियतनाम और फिलीपींस का चीन से 36 का आंकड़ा है। ये दोनों के दोनों देश इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी खरीदना चाहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर तो ऑब्वियसली बात है, चीन से इनकी बनती नहीं है, चीन के पड़ोसी देश हैं, तो चाइना इस चीज़ से हमेशा नाराज़ रहेगा कि इंडिया ये इनको ना बेचे। लेकिन इसका अल्टरनेट अगर आप देखें, चाइना पाकिस्तान के 70% आर्म्स यानी 70% हथियारों की जो आपूर्ति है वो पाकिस्तान को चाइना करता है, यानी चाइना भारत के पड़ोसी देश को हथियार बेच सकता है, और चाइना इंडिया पर दबाव बनाता है कि आप ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम या दूसरे हथियार वियतनाम और फिलीपींस को नहीं देंगे। व्हाट द हेल इज द सीआर? और खास बात यह कि हमारी जो पिछली सरकार थी, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, चाइना के इस दबाव के अंदर झुकते हुए नजर आए, और उन्होंने ये इस चीज को आगे हरी झंडी नहीं दिखाई ब्रह्मोस को बेचने की। आपकी दूसरी गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट जो है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, मोदी और पुतिन के रिलेशंस आप लोगों को जानते हैं कि इन मोदी गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, और इसीलिए आप चाहे रशिया के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, इन रिलेशंस इन्होंने सब के साथ मेंटेन करने की कोशिश करी। चाइना ने बुलिशनेस दिखाई तो उसका रिटर्न जो है वो आगे देखने को मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब इंडिया और चाइना के रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, तो इंडिया जो है वो चाइना की बहुत ज़्यादा शर्म करेगा ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दी है, और रशिया से खबर आई है, और रशिया की जो मीडिया न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उनसे जो खबर आई वो ये आई है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो चीफ जनरल मैनेजर हैं, CGM हैं, प्रवीण पाठक जो हैं, इन्होंने एक न्यूज़ को संबोधित करते हुए ये कहा कि रशिया से उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का
ब्रह्मोस को बेचने की परमिशन मिल गई है। रशिया चाहता है कि ब्रह्मोस बेच दी जाए। मोदी गवर्नमेंट ने तो पहले ही इस चीज़ को एग्री कर दिया था कि ब्रह्मोस बेच दी जाए। अब रशिया ने भी अगर एग्री कर दिया है तो अब ये ब्रह्मोस मिसाइल को वियतनाम और फिलीपींस को देने के रास्ते बिल्कुल साफ हो चुके हैं। मज़े की बात यह है, चाइना जिस S-400 के ऊपर गुरूर करेगा या कहेगा कि मेरे पास ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, चाइना जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मतलब एग्री कर रहा है, असलियत में ये ब्रह्मोस मिसाइल उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी आगे की है। उसके ऊपर भी ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस ब्रह्मोस मिसाइल को भी नहीं पकड़ सकता। ये चाइना के लिए चिंता की बात है, लेकिन भारत का ये एक रिबटल है, बिल्कुल बिल्कुल नपे तुले उसी लैंग्वेज में उसी तरीके से जवाब देना है जो जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान इंडिया को पाकिस्तान के टर्म्स में डील करता है। यानी अगर आप हमारे दुश्मन को हथियार बेचेंगे तो हम भी तुम्हारे दुश्मनों को घातक हथियार बेचेंगे, तुमने जो करना है कर लो। ये बराबरी के तौर पर आपकी फॉरेन पॉलिसी का आउटकम नज़र आ रहा है। हालांकि ये वार एस्केलेशन के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन वार एस्केलेशन से ज़्यादा ये डिफेंस के फॉर्म में देखा जा सकता है कि जो बचाव के फॉर्म में है, सामने वाला हमला ना करे इससे पहले ये अपनी रक्षा करें, उसके लिए इन दो देशों को मजबूत किया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइना एक चाल का चल रहा है पाकिस्तान को या नेपाल को या बांग्लादेश को हथियार प्रोवाइड करके, बांग्लादेश को पनडुब्बी दी जा रही है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया बांग्लादेश को पनडुब्बी की ज़रूरत क्या है, अगर उसे इंडिया से सबसे ज़्यादा बड़ा देश तो इंडिया ही है जिससे वो गड़बड़ रखना चाहेगा। नेपाल को हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यही डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो चाइना इंडिया को रोक रहा है कि आप वियतनाम और फिलीपींस को ना दें। आपकी सरकार ने यहाँ पर बिल्कुल सही कदम उठाया है, दोस्ती बढ़ाने की तरफ आगे कदम बढ़ाया है, क्योंकि जो डिफेंस की दोस्ती होती है वो कहीं ज़्यादा पक्की होती है। एक दूसरे की रक्षा की जो दोस्ती होती है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पक्की दोस्ती मानी जाती है। और अगर ये डिफेंस डील इस्टेब्लिश हो जाती है तो इन दो देशों के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे इस्टेब्लिश होंगे, और ये रिलेशंस जो हैं ये पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल में चीन की चाल को काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए बहुत काम आएंगे। बाकी आगे जिस तरीके से सिचुएशंस होंगी हम डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।